हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जस्ट टॉक पे। आज हमारे बीच फिटनेस मॉडल और 7 बार मिस्टर एमपी रह चुके वतन मिश्रा हमारे बीच उपस्थित हैं। नमस्ते सर। एक कन्वर्सेशन के माध्यम से हम कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानना चाहेंगे। जी। वतन, स्वागत है आपका हमारे चैनल। हेलो सर, थैंक यू सो मच। वतन, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये बताएं आप किस तरह इस प्रोफेशन में आए। सर, मैं सेकेंड ईयर में था, सतना में पढ़ रहा था मैं। उस टाइम हमारे कोच हुआ करते थे, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया और मैं जस्ट उस टाइम फिटनेस के लिए जिम जाया करता था, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया और उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे लुक्स अच्छे हैं, तुम्हारे जेनेटिक्स सपोर्ट करते हैं, तो तुम्हें कुछ ना कुछ इसमें स्पोर्ट्स में भी कुछ करना चाहिए। तो उस टाइम 2014 में मैं फर्स्ट टाइम मिस्टर सतना बना था और वो फिटनेस मॉडल कैटेगरी थी और वहीं से बस जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो आपने क्या करियर प्लान किया हुआ था कि मुझे फिटनेस के क्षेत्र में ही अपना करियर बनाना? एक्चुअली सर, मैं शुरू से स्कूल टाइम से ही फिटनेस को लेकर काफी अवेयर था। रनिंग करना, एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करना, ये सब मैं शुरू से ही करता था। यानी फिटनेस में आपकी हॉबी थी? जी, शुरू से फिटनेस में हॉबी रही है। और जब अपने बॉडी को ग्रो करते हुए देखा, जेनेटिक्स ने भी काफी सपोर्ट किया, थोड़ा हार्डवर्क था, तो ओवरऑल सारी चीजें जब मिली और रिजल्ट कुछ अच्छे पॉजिटिव मिले, तो फिर सोचा इसी में कुछ करियर बनाते हैं। इस तरह आप इस प्रोफेशन में आए। जी, यानी आपको शुरू से हॉबी थी फिटनेस की? बिल्कुल, फिटनेस को लेकर मैं शुरू से ही बहुत अवेयर था। मतलब हम जानना चाहेंगे, जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल कि हमारे यूथ में स्ट्रेस, जो मानसिक तनाव है, जी, वो एक बहुत बड़ी समस्या है, पूरे नेशनल लेवल पे समस्या है। आंकड़े बताते हैं कि मोर देन 56% जो यूथ है हमारे देश का, वो स्ट्रेस से ग्रसित है। जी, तो फिटनेस किस तरह उन्हें स्ट्रेस से बचा सकता है? सर, एक्चुअली मिसकंसेप्शन यही है कि लोग ये सोचते हैं आज भी इंडिया में कि फिटनेस जो है या जिम जाकर आप सिर्फ बॉडी बना सकते हैं, बट ये कहीं से कहीं तक सच नहीं है। आप बॉडी तो बना ही सकते हैं, उसके साथ साथ जो आपका डेली टू डेली लाइफ का जो एक स्ट्रेस है, आपका एक कहना चाहिए कि इतना जो हेक्टिक आप लेकर चलते हैं, उससे रिलीफ करने का बहुत बड़ा तरीका है। आप सोचिए कि हमारे आज की डेट में नॉर्मल वर्किंग आवर्स 10-12 आवर्स के होते हैं, तो आप सोचिए आपने 10-12 घंटे अपना वर्क किया, उसके बाद आपने अपने आप को क्या समय दिया? तो मैं तो ये कहता हूँ कि बाकी 23 घंटे दुनिया के लिए और 1 घंटा आप अपने लिए, जो आप यहाँ आके अपने फिटनेस पे वर्क करते हैं, फर्स्ट थिंग आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। सेकंड थिंग, जो दिन भर का आपका स्ट्रेस रहता है ना, वो यहाँ पे 1 घंटे बिता देने से वो सारा स्ट्रेस निकल जाता है। एग्रेशन जो रहता है यूथ के अंदर, वो सारा यहाँ पे आप उसको खत्म कर सकते। यानी फिटनेस जो है वो आपको माइंडली रिलैक्स भी करता है। बहुत बहुत, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। और कुल मिलाकर के हम ये कहें कि आपने जो हम आज की जीवन शैली को देख रहे हैं, जी, तो उसमें हम टोटल अपने वर्क को ज्यादा फोकस करते हैं। बिल्कुल। यानी हम उस वर्क फोकस में हम अपने शरीर की ओर ध्यान नहीं दे पाते। बिल्कुल नहीं दे पाते। मैं एक एग्जांपल दूंगा, इसकी वजह से ही शायद स्ट्रेस बढ़ता है। बिल्कुल, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं 2017 में गोल्ड से कोर्स करने गया था मुंबई। मेरा ये मानना था यार, मुंबई इतना मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ के लोग बहुत ज्यादा फिट होते होंगे, बहुत ज्यादा फिटनेस को लेकर अवेयर होते होंगे। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि वहाँ 80% लोग अनफिट है। मतलब आप देखकर एक अनुमान लगा सकते हैं कि यार 80% लोग इतनी बड़ी सिटी में लोग अनफिट क्यों है। मैं सोच में पड़ गया इस चीज को लेकर। तो जब मैंने देखा कि यार वहाँ के लोगों का वर्कलोड इतना ज्यादा है, वर्क शेड्यूल इतना लंबा है, तो इंसान फिटनेस पर ध्यान कैसे दे पाएगा? और अक्सर हम देख रहे हैं कि ये जो भागदौड़ वाली जिंदगी में कहीं ना कहीं हम अपने शरीर पर पर्याप्त ध्यान ना देकर ही स्ट्रेस को बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अगर आप फिट रहेंगे, आप हेल्दी रहेंगे, तो आपका स्ट्रेस लेवल ऑलरेडी डाउन रहेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रहेगा। तो फिटनेस आपको सिर्फ ये नहीं कि आपके बॉडी बनाने में हेल्प करती है, आपका स्ट्रेस लेवल कम करने में फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान है। मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं कि यदि आप फिट हैं, जी, यदि आप वो हैं, तो आप एक ना ही एक कॉन्फिडेंस पर्सन भी बन सकते हैं। बिल्कुल। और अपना स्ट्रेस लेवल भी। बिल्कुल, अगर आप एक अच्छी फिजिक कैरी करते हैं, तो आपको किसी के साथ मिलने का एक कॉन्फिडेंस अलग होगा, उनको आपका देखने का तरीका एक अलग होगा, आप उसको एक, आप वो कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। अगर आप एक अच्छी पर्सनालिटी कैरी करते हैं, तो फर्स्ट इंप्रेशन में आदमी आपके आपको लेकर एटलीस्ट 10% तो इंप्रेस हो ही जाएगा, तो वो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऑलरेडी बूस्ट हो जाता है। वतन, हम जानना चाहेंगे आपसे कि अभी तक आपने, जब आप फिटनेस के क्षेत्र में आए, तो फिटनेस में आपने क्या क्या उपलब्धियां अभी तक हासिल? सर, अभी तक मेरा 60 kg वेट में 7 बार मिस्टर एमपी का टाइटल है और ओवरऑल में मेरे पास मोस्ट मस्कुलर का भी टाइटल है। 2014 में, जैसे मैं बता चुका हूँ, मिस्टर सतना रह चुका हूँ और अभी तक मुझे जहाँ तक याद है एमपी को रिप्रेजेंट करने वाला जूनियर मिस्टर इंडिया में मैं इकलौता प्लेयर हूँ। और काफी शील्ड वगैरह भी दिख रही हैं जो आपने अचीव की हैं। जी सर, ये तो जस्ट रिसेंटली जीती हैं, तो यहीं पे बैतूल में थी, वरना
मेरा जो घर है सारणी में वहाँ पे 21 ट्रॉफीज हैं अभी तक। जी काफी उपलब्धियां आपने। जी सर मतलब हम जानना चाहेंगे आपसे कि फिटनेस को लेके हमारे देश में एक बहुत बड़ा मूवमेंट है अभी फिलहाल में। जी तो फिट रहना किसी व्यक्ति के लिए कितना आवश्यक है शरीर के लिए? जी एक्चुअली आपने बहुत अच्छी बात कही है कि फिटनेस को लेकर अभी बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है इंडिया में, बट उसको सही डायरेक्शन में ले जाना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आज की डेट में हर कोई फिट तो रहना चाहता है, बट क्या है कि उसे गलत दिशा से दूर रखना बहुत जरूरी है। हमारे पास नए यंगस्टर्स आते हैं, वो आते ही डायरेक्ट बात करते हैं कि सर हमें प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, हमें कोई सप्लीमेंट बता दीजिए। तो मेरा ये गाइडेंस रहता है कि अगर आपको प्रोफेशनली कम्पीट करना है तो ठीक है आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, बट अगर आपको प्रोफेशनली पार्टिसिपेट नहीं करना है तो आपको अपनी नेचुरल डाइट पे फोकस करना चाहिए, आपको अपने हार्डवर्क पे फोकस करना चाहिए, अपना दूध दलिया घर का घी देसी दही इन चीजों पर ज्यादा फोकस करो क्योंकि आपको लॉन्ग लाइफ में आपको चीज सपोर्ट करेंगी। मतलब हम ये मान सकते हैं कि जो हमारे देसी फूड है जी वही काफी प्रोटीन से इतने परिपक्व है बिल्कुल वही सब हमारे शरीर को डेवलप करने के लिए पर्याप्त है। एक आम इंसान को फिट रखने के लिए अपने देसी फूड ही सबसे ज्यादा मेरे को मैं तो एटलीस्ट मतलब ये प्रेफर करता हूँ कि आप देसी डाइट जितनी फॉलो कर सकते हैं उतना बेटर है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि यूथ जो है वो सप्लीमेंट्री प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स को ज्यादा हाँ क्योंकि आपको जैसे पता ही है कि इंडिया में शॉर्टकट्स को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो अगर आप शॉर्टकट के चक्कर में रहेंगे तो आप जल्दबाजी में गलतियां भी करेंगे। उसमें भी जरूरी मैं तो सारे ट्रेनर्स को सारे जो भी कोचेज उनको यही एडवाइस देना चाहूंगा कि आप यूथ को कम से कम सही गाइडेंस दें क्योंकि आप थोड़े पैसों के लिए उनको अपने मतलब थोड़े से अपने फायदे के लिए आप उनको गलत डायरेक्शन दिखाएं वो ठीक नहीं है। तो ये हानिकारक हो सकते हैं सप्लीमेंट्री फूड? हाँ देखिए अगर आप जेन्युइन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन आज की डेट में आपको भी पता है कि इंडिया में दूध तक तो प्योर मिलता नहीं है तो आप सप्लीमेंट से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। ये चीजें तो थोड़ा दूध को इससे बचना चाहिए बिल्कुल आप नेचुरल डाइट आप दूध दलिया दही घी इन चीजों पर ज्यादा फोकस कीजिए आप लॉन्ग लाइफ हेल्दी रहेंगे। हम जानना चाहेंगे आपसे जी कि बॉडी मेंटेन रखना हमारे प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन के लिए कितना इम्पोर्टेंस होता है? सर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आप देखिएगा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर या जो फिटनेस फ्रीक होता है वो कभी भी अगर पब्लिकली जाएगा तो पब्लिक का अट्रैक्शन उसके तरफ आता है। फर्स्ट अट्रैक्शन जो होता है वो आपके शरीर के मेंटेन को ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल आपका फिजिक जितना अच्छा होगा पब्लिक का अट्रैक्शन आपके ऊपर उतना अच्छा है। फर्स्ट इम्प्रेशन तो बॉडी मेंटेनेंस बिल्कुल मैंने ये अनुभव किया है। मैं जैसे कभी किसी गवर्नमेंट ऑफिस में गया हूँ या किसी पॉलिटिशियन से किसी से मिलने किसी अच्छे व्यक्ति से मिलने गया हूँ तो वहाँ पे पब्लिक का इम्प्रेशन एक अलग होता है और मेरा इम्प्रेशन एक अलग पड़ता है क्योंकि वो देख के एक वो जो भी है मतलब एक अट्रैक्शन होता ही है। आपके यदि आपका शरीर फिट है जी तो पहला इम्प्रेशन वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बिल्कुल। मतलब हम जानना चाहेंगे आपसे कि बॉडी फिटनेस को लेके जी जो हमारा जो यंग है जी जो हमारे यंगस्टर है जी वो कितना क्रेज है बॉडी फिटनेस को लेकर? सर बहुत ज्यादा इस समय तो मतलब इतना ज्यादा क्रेज आ रहा है फिटनेस को लेकर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ रही है क्योंकि इंडिया एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। अभी तो ये समझिए कि वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े नाम हैं वो सभी इंडिया में आना चाहते हैं और यहाँ अपना मार्केट बनाना चाहते हैं। उसका रीजन सिर्फ ये है कि यहाँ के यंगस्टर्स बहुत ज्यादा मतलब अवेयर हैं फिटनेस को लेकर। बस जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि थोड़ी सी अवेयरनेस की जरूरत है सही गाइडेंस की जरूरत है। बाकी इंडिया में इतना पोटेंशियल है कि वर्ल्ड लेवल पे इंडिया अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है और अपना लोहा मनवा सकता है। मतलब जो है वो यूथ में बहुत क्रेज है बहुत ज्यादा। वतन हम जानना चाहेंगे आपसे जी कि फिटनेस के सेक्टर में जी कैरियर की क्या क्या संभावनाएं हैं? यदि यूथ अगर इस सेक्टर में आते हैं तो वो किस तरह से अपना कैरियर बना सकते हैं? सर मैं तो कहता हूँ कि मतलब फिटनेस में आपको इतने ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप एक आम इंसान उस बारे में सोच भी नहीं पा रहा है। मेरा तो शुरू से ही मानना है कि आपको सबसे पहले तो अपने कहना चाहिए कि हॉबीज़ को फॉलो करो, है ना, आपका जो भी हॉबीज़ है आप उनको फॉलो करो क्योंकि आपका इंटरेस्ट जिस फील्ड में रहेगा आप उसे दिल से कर पाओगे। फिटनेस में भी आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ है, आप फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, योगा ट्रेनर बन सकते हैं, आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज़ की कोई कमी नहीं है, बस आपको सही डायरेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है। मतलब हम ये मानकर चल सकते हैं जी कि आप इस क्षेत्र में यदि आते हैं जी तो आप न सिर्फ अपना एक अच्छा हेल्दी शरीर बना सकते हैं बल्कि आप इसे प्रोफेशनली भी आप अपना कैरियर भी बना बिल्कुल बहुत अच्छा। जैसे कि अब मैं किसी और का एग्जांपल नहीं लूंगा, मैं खुद के ही बात कहूँ तो मैंने वैसे तो माइनिंग इंजीनियरिंग भी की हुई है जी, बट मुझे नहीं था उतना इंटरेस्ट, मुझे अपने फिटनेस पे ज्यादा वर्क करना था, तो काफी लोगों ने थोड़ा सा डराया भी कि यार तुम क्या ही अर्न करोगे ये वो, तो बहुत ज्यादा तो नहीं बट ये है कि जितने आज की डेट में लोग एक प्राइवेट फील्ड में कमा रहे होंगे उससे तो मैं अच्छा ही आज सेटिस्फाइड मैं हूँ अपनी सेटल और मैं अपने प्रोफेशन को भी फॉलो कर रहा हूँ तो कैरियर की संभावनाएं काफी बहुत अच्छी। मतलब हम जानना चाहेंगे आपसे कि
अभी तक आपको आप इस फील्ड में हैं जी, तो क्या कुछ सरकार से या किसी ऑर्गेनाइजेशन से अभी आपको अभी तक तो कुछ प्रोत्साहन मिला या कुछ ऐसा इस तरह से कुछ हेल्प वगैरह? सर सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यही है, और मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपने ये प्रश्न उठाया, क्योंकि मैं पिछले 8 सालों से बैतूल जिले को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने जूनियर मिस्टर इंडिया 2017 में खेलने गया था, पूरे मध्य प्रदेश से मैं इकलौता प्लेयर था। वहाँ केरल गया था मैं, वहाँ बाकी जो स्टेट्स थे उनके पूरे प्लेयर आए हुए थे, मैनेजर्स आए हुए थे, यहाँ से सिर्फ मैं एक अकेला प्लेयर गया हुआ था, मेरे साथ कोई टीम भी नहीं थी। मैंने आज तक मैं एमपी खेलने जाता हूँ, नेशनल्स खेलने जाता हूँ, हर जगह बैतूल जिले को रिप्रेजेंट करता हूँ, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी बड़े दायित्व पे बैठे हुए किसी पॉलिटिशियन ने या किसी भी व्यक्ति ने मुझसे ये बोला हो कि वतन आपने बैतूल जिले का नाम रोशन करके आए हो, हमें आप पे गर्व है। तो सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात भी यही है कि आज तक बैतूल जिले से अभी तक सिर्फ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और अभी पिछले 2 सालों से हमारे एक छोटे भाई हैं प्रशांत वराठे जी, उन्होंने भी काफी अच्छा नाम कमाया। लेकिन आप ये सोचिए कि इतने बड़े जिले में सिर्फ 2 ही प्लेयर आज तक हुए हैं, तो अगर क्या यहाँ पे यूथ में पोटेंशियल नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोत्साहन की कमी है। जो यहाँ के ऑफिशियल्स को अपने बिल्कुल उसको सीरियसली लेकर यहाँ के यूथ को अगर वो प्रोत्साहित करेंगे तो यहाँ के यूथ में बहुत पोटेंशियल है। तो अभी तक किसी भी प्रकार का आपको ऐसा कोई हेल्प या किसी प्रकार का ऐसा कोई प्रोत्साहन अभी तक आपको नहीं मिल पाया जिस तरह से आपने बताया? अब आप सोचिए, अभी तक कुछ आपके जैसे बड़े भाइयों ने काफी प्रोत्साहन दिया है, सपोर्ट किया है, पेपरों में भी कई बार आ चुका है, लेकिन कभी एक भी पॉलिटिशियन का मेरे पास आज तक मैसेज तक नहीं आया कि वतन हमें आप पे गर्व है, आपने इतना अच्छा काम किया है, आपने जिले का नाम रोशन किया है, कभी किसी ने प्रोत्साहित नहीं किया। इस बात की थोड़ी सी टीस रह जाती है मन में। हाँ, यदि गवर्नमेंट कुछ ऐसा प्रोत्साहित करे, कुछ भी ऐसा सपोर्ट करे जी, तो हमारा यूथ और आगे अपने मतलब कहना चाहिए अपने पोटेंशियल को और ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हमारा तो स्पोर्ट्स ही इतना महंगा है कि हमें वैसे भी किसी की सपोर्ट की जरूरत नहीं, हम अपने दम पे जैसे तैसे होता है हम कर लेते हैं, हम किसी से उम्मीद भी नहीं करते। लेकिन एक मनोबल बढ़ाने की बात होती है कि अगर आपके बड़े किसी अच्छे पदाधिकारी अगर आपका थोड़ा सा मनोबल ही बढ़ा दें, तो आज सोचिए मैं अगर एमपी में गोल्ड मार रहा हूं, तो मेरे थोड़ा मनोबल बढ़ाने के बाद हो सकता है मैं नेशनल में कुछ अच्छा कर सकूं। हो सकता है आप इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपॉर्चुनिटियां मिल जाए जी, तो आप मे भी जो संभव हो सकता है बेटर से बेटर वो आप। बिल्कुल, मैं अभी देखिए मैं जिन परिस्थितियों से गुजरा हूँ मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। मैंने अभी कुछ नए बच्चे तैयार किए हुए हैं, अभी हमारे पास समय होता तो मैं उनसे भी मिलवाता आपको, तो 1 साल के अंदर कम से कम मैंने 6 नए लड़के तैयार किए। आप सोचिए 30 सालों में सिर्फ 2 प्लेयर आना और 1 साल के अंदर 6 नए प्लेयर तैयार करना, जिन्हें मैं अगले साल बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में उतारने वाला हूँ उनकी कैटेगरी के हिसाब से। तो मैं तो हमेशा चाहता हूँ कि जो परिस्थितियों से मैं गुजरा हूँ वो बच्चे उन चीजों को ना फेस करें, बट अगर हमारे जनप्रतिनिधि उस चीज को सपोर्ट कर सके तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, हमारे जनप्रतिनिधि आपकी इस फीलिंग को समझ पाए ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। जी सर। वतन, हम जानना चाहेंगे आपसे कि हमारे जो यूथ हैं जी, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या एक संदेश ऐसा देना चाहेंगे जो उनके कैरियर के लिए और उनके आगे भविष्य के लिए उन्हें प्रोत्साहन के रूप में? मैं तो सर हमेशा हर यंगस्टर्स को यही कहूंगा कि आज का जमाना ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टडीज के पीछे पागल हो। आप स्टडीज करें, कोई डाउट नहीं है, उसमें भी आपको फोकस करना चाहिए, बट जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आप भी देख रहे हैं आजकल मेक इन इंडिया और हमारी जो गवर्नमेंट इतना कुछ नई नई चीजें निकाल रही है उसमें एक नए इनोवेटिव सोच की कितनी जरूरत है और उसको कितना प्रोत्साहन मिल रहा है लोगों के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। तो अगर आप अपने इंटरेस्ट की फील्ड चुनते हैं तो उसमें भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो वतन, आज आपसे आपके प्रोफेशंस को लेकर के बहुत ही उम्मीदों भरी चर्चा हुई जी, और हम ऐसी उम्मीद करेंगे कि एक अच्छा मैसेज हमारे यूथ को आज प्राप्त हुआ जी। इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर।